पंजाब के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने धर्मशाला में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फ्रांस में 36 जेट की सीधी खरीद की, जो कि 1670 करोड़ रुपए एक जेट की कीमत आ रही है, जो कांग्रेस सरकार में 500 करोड़ थी। अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए यह डील की गई है और डील से मात्र 15 दिन पहले ही अनिल अंबानी की कंपनी रजिस्टर करवाई गई है। जिस कंपनी के आज दिन तक एक सुई तक नहीं बनाई, उसे जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार जो देश में लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई थी, आज उसका देश का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। देश के डिफेंस बजट में भी कटौती की गई है। पहले 60% आर्मी के जवानों के लिए जाता था और 40% देश के हथियारों को खरीदने में जाता था। बाजवा ने कहा कि कांग्रेस के समय में देश के बजट में भी आर्मी का बजट 2.50% था, लेकिन आज बीजेपी के समय में 1.5% रह गया है। आज सरकार खुद कबूल रही है कि मात्र 10 दिन तक के ही हथियार देश के पास हैं। बीजेपी के समय में जेट खरीद में हजारों करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 126 जहाजों की बजाय मात्र 60 जहाज ही लिए गए हैं। कांग्रेस ने 126 जहाजों की डील 66,000 करोड़ में की थी और बीजेपी के शासनकाल में 36 जहाजों की डील 60,000 करोड़ में की गई है। बाजवा ने कहा कि चाइना लगातार भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है, जो बहुत गंभीर है। सिक्योरिटी सिस्टम को भी नजरअंदाज करके पीएम ने सीधे डील की, जो कि नियमों को ताक पर रखकर की गई है। कांग्रेस के समय में हुई डील में 18 जहाज तुरंत लिए जाते थे और बाकी जहाज खुद देश में तैयार किए जाते थे, जिससे भारत को किसी देश पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। लेकिन आज देश को मोदी सरकार ने आश्रित कर दिया है। अब जो डील की गई है, उसमें अंबानी को 1,00,000 करोड़ का सीधा लाभ पहुंचाया गया है और 30,000 करोड़ का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वहीं इस घोटाले को रोकने के लिए 3 बार डिफेंस मिनिस्टर को भी बदलना पड़ा ताकि घोटाला किया जा सके। बसवा ने कहा कि बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुषमा ने खुद जानकारी दी है कि बीजेपी जो देश की चौकीदारी की बात करती थी, वह आज घोटाले की भागीदार बनी हुई है। अंबानी की कंपनी को 45,000 करोड़ का एनपीए है। भाजपा ने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज कांग्रेस घर घर जाकर घोटाले की जानकारी दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आज मोदी की 56 इंच की छाती 36 इंच रह गई है। देखो, नटशेल में इसमें एक बात मैं कहने आया हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम अगर हुआ तो ये, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का वोटर जो है वो इसमें ठगा हुआ महसूस करता है कि जिस आदमी ने हमें ये बात कही थी, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा और मैं एक चौकीदार की तरह काम करूं, वो आज समझ रहा है कि ये चौकीदार तो वही रहा नहीं, ये तो भागीदार हो गया। ये तो गोदाम के आगे खड़ा रहा, पीछे चोरों को खुद ही टाइम दे दिया कि भाई मैं आगे खड़ा हूं, पीछे से खोल लो सारा गोदाम। और आज ये स्कैम है 1,71,000 करोड़ रुपए, और हमारा ये वचन है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि ये लड़ाई हमें कहीं तक भी लेकर जानी पड़े, हम हर हिंदुस्तानी के पास प्रेस के जरिए पहुंचेंगे, हम अपने कार्डेज के जरिए, हमारी जो पार्टी है उनका ढांचा जो है वो सारा का सारा हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर कूचे तक ये आवाज उठाएगा। और हम विशेष तौर पर ये बात कह रहे हैं, मोदी साहब, जो डील यूपीए ने 128 जहाज लेने की 126 जहाज लेने की 66,000 करोड़ में की थी, उतने पैसे में आपने 36 जहाज लिए हैं। आप ये बताइए कि 41,000 करोड़ का जो ये घपला किया है, ये प्राइसिंग आपने कैसे बढ़ाई? और नंबर टू, इससे भी खतरनाक बात क्या है, इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था, हमारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पीएसयू जो है, हमारी हिंदुस्तान एचएएल जो है उसको, जो और एचएएल की इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि उन्होंने मिग्स बनाए हैं, उन्होंने जैगवर्स बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारे और फाइटर जेट्स, आज भी तेजस, वो सभी कुछ वो बना रहे हैं, ध्रुव वो बना रहे हैं, तो जिनको बोइंग के कॉन्टैक्ट्स मिल चुके, आपने उनको छोड़कर एक ऐसी कंपनी जो अनिल अंबानी की कंपनी है उसको कॉन्टैक्ट दे दिया, जिसने अभी तक सुई तक नहीं बनाई।
और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हिंदुस्तान की अपनी गवर्नमेंट कंपनी को होना चाहिए वो ट्रांसफर से हम रह गए, और सारा का सारा एडवांटेज आपने उस आदमी को दिया है जिसके खिलाफ 45,000 करोड़ के एनपीएस हैं बैंक्स के, 45,000 करोड़ गए एनपीएस में डूबी हुई कंपनी को, 1,30,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट आपने दिलवा दिए जिसने अभी तक कभी सुई तक नहीं बनाई। तो इसमें सारा जो है ये एक बहुत बड़ा इन्होंने मैं समझता हूं धोखा किया है देश के साथ, ये बहुत बड़े घपलेबाजी है। ये पैसे का इस्तेमाल अंबानी और मोदी और अमित शाह की मिली भुगत जो है ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ये साफ तौर पर जाहिर होती है, और हम हर दौर तक हर जगह ये लड़ाई लड़ने जाएंगे। ये हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की इज्जत और सम्मान की लड़ाई है, हमारी डिफेंस फोर्सेस की ये लड़ाई है, और इसके साथ जो टैक्स पेयर्स है विशेष तौर पर जो हिंदुस्तानी अपनी दो वक्त की कमाई करके टैक्स पे करता है ये सारा चूना उसको लगता है। तो इसीलिए मैं हिंदुस्तान के सभी भाइयों को और विशेष तौर पर जो हमारी इंटेलिजेंसी है और हमारी आर्म्ड फोर्सेज है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सभी को अपील करूंगा कि इस बड़े ये जो इतना बड़ा मेगा स्कैम किया है इसके खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसमें साथ दो, और ये हम लॉजिकल एंड तक इस बात को बचा पाए और साफ तौर लोगों के सामने इनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब कर सके, ये हमारा मकसद है।